मेरा नाम है अभिषेक महाजन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल जेनेरिक टेकी। सो गाइस, जैसे मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था, मैं लेके आया हूं आपके लिए ASUS ZenFone Max Pro M2 की अनबॉक्सिंग। आप देख सकते हो यहां पे मेरे हाथ में है ASUS ZenFone Max Pro M2। आज हम इस वीडियो सेशन में करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, कुछ कैमरा के फोटोज आपको दिखाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं टारगेट करूंगा सिर्फ अनबॉक्सिंग। इसके बाद मैं कुछ वीडियोस लेके आऊंगा जिसमें आपके लिए पबजी रिव्यू होगा, कैमरा रिव्यू होगा, इसका कैमरा कंपैरिजन करेंगे M1 के साथ, नोट 5 प्रो के साथ, एंड देन Realme 2 Pro के साथ भी कोशिश करूंगा कैमरा कंपैरिजन करने की। लेकिन इस वीडियो पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ हम अनबॉक्सिंग करेंगे और कुछ सैंपल शॉट्स देखेंगे और देखेंगे क्या मिलता है हमें आउट ऑफ द बॉक्स। सो मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, एंड ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड हियर। गाइज, ये रहा आपका ASUS ZenFone Max Pro M2। जैसे कि आप देख सकते हो बॉक्स यहाँ पे M1 से थोड़ा डिफरेंट है, काफ़ी डिफरेंट है। एंड आप फ़ोन के ऊपर देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है ZenFone Max Pro M2, एंड सबसे बॉटम में यहाँ 4G वोल्टी लिखा गया है। साइड पे भी आपको फ़ोन का नाम मिल जाता है। अगर मैं पीछे बात करूँ तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात की, जैसे 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी भी बेस्ड प्रोसेसर है, एंड यहाँ पे एक्स्ट्रा ड्यूरेबिलिटी का प्रॉमिस किया है ASUS ने यहाँ पे फीचर में लिखा गया है। वहीं गाइस, अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो जो मेंशन प्राइस है वो है 17,999 रुपीज़, लेकिन आपको 14,999 रुपीज़ में एक्सक्लूसिवली मिल जाता है फ्लिपकार्ट पे। सो चलिए यहाँ अनबॉक्सिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। ये रहा बॉक्स, इसको किया मैंने अनबॉक्स, एंड यस, अनबॉक्स करने के बाद जो आपको टॉप ऑफ द बॉक्स मिलता है वो है ये पैकेज। इस पैकेज के अंदर बेसिकली क्या है, इसके ऊपर लिखा गया है आई लव फोटोज, यानी फोटो सेंट्रिक डिवाइस है ऐसा कहा जा रहा है। एंड इजेक्टर पिन देखने को मिलती है, आपको कुछ मैनुअल्स यानी कुछ पेपर वर्क आपको देखने को मिल जाएगा जो किसी काम का मेरे हिसाब से नहीं लगता। यहाँ पे आपको सिलिकॉन केस मिलता है। अगर इस केस के अंदर हम देखें तो आपको एक बहुत बढ़िया क्वालिटी का केस देखने को मिल जाता है। मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का केस है अगर मैं इसको बाकी ब्रांड्स के साथ कंपेयर करूँ। तो गाइज, यहाँ बढ़ते हैं फोन की तरफ। नेक्स्ट इन द बॉक्स द फोन इज देयर, एंड फोन पे कुछ स्पेसिफिकेशंस मेंशनड है। जैसे आपको यहाँ पे लिखा गया है कि आपको स्नैपड्रैगन 660 मिलता है, गोरिल्ला ग्लास की प्रोडक्शन मिलती है, 5000 mAh की बैटरी भी देखने को मिलती है। सो ऐसी कुछ स्पेसिफिकेशन फोन पे मेंशनड है। तो यहाँ हम फोन को निकालते हैं इस रैपर से बाहर, एंड ये रहा आपका एक्चुअल फोन। सो आप देख सकते हो फोन की फिजिकल ओवरव्यू काफी अच्छा है दिखने में, बाद में हम इसको डिटेल में देखेंगे। बाकी कंटेंट की अगर बात करूं तो यहाँ पे आपको माइक्रो USB केबल देखने को मिल जाती है, एंड अगर मैं पावर अडाप्टर की बात करूं तो ये रहा बेसिकली द पावर अडाप्टर, जिसकी आउटपुट रेटिंग है 5V 2A, यानी आपको 10W का यहाँ पे चार्जर देखने को मिल जाता है। सो गाइस, बढ़ते हैं नेक्स्ट, यानी अब हम बढ़ते हैं फोन की तरफ। अगर मैं फोन की बात करूं तो ये रहा फोन। पहले हम इसकी फिजिकल ओवरव्यू देखेंगे। ये रहा बैक पैनल जो काफी शाइनी है देखने में, काफी अच्छा लग रहा है, काफी अच्छी लुक आ रही है। उसकी ब्रांडिंग मिलती है, फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, डुअल कैमरा सेटअप मिलता है अलॉन्ग विद LED फ्लैश। साइड पे आपको मिलता है पावर बटन, वॉल्यूम रॉकर्स, एंड ऑन द टॉप वी हैव नॉइस कैंसलेशन, एंड बाकी सारा एरिया क्लीन है टॉप पे। एंड अगर मैं वहीं साइड की बात करूं तो यहाँ पे आपको मिलती है सिम इजेक्टर ट्रे, एंड इन द बॉटम वी हैव 3.5 mm जैक, देन वी हैव माइक्रोफोन, प्राइमरी माइक्रोफोन, देन वी हैव माइक्रो USB पॉट, एंड देन वी हैव द स्पीकर्स। सो करते हैं यहाँ पे फोन को बूट। सो गाइस, यहाँ पे हो गया हमारा फोन बूट, जैसे कि आप सब देख सकते हो। अब यहाँ पे हम करते हैं, जब तक बूट होता है तब तक मैं आपको सिम ट्रे की थोड़ी इंट्रोडक्शन देता हूँ, क्या सिम कॉन्फ़िगरेशन हमें इस फोन में देखने को मिलती है। चलिए हम निकालते हैं सिम ट्रे को बाहर, एंड ये रही आपकी सिम ट्रे। आप देख सकते हो यहाँ पे फाइनली हमें हाइब्रिड सिम कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलता, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है डुअल सिम प्लस माइक्रो SD की सपोर्ट। सो ये एक बहुत अच्छी बात है। हाँ, हमारा फोन हो गया बूट। स्टॉक एंड्रॉयड आपको देखने को मिलता है, मतलब आपको कोई भी प्री इंस्टॉल्ड एप्स ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल क्लीन फोन आपको देखने को मिल जाता है। वहीं अगर मैं फटाफट आपको कुछ क्विक चीजें दिखाने की कोशिश करूं तो यहां हम सेटिंग्स में जाएंगे और हम देखेंगे कितनी स्टोरेज आपको 64 में से मिलती है। 64GB वेरियंट है, एंड आपको आउट ऑफ 64GB 54.23GB फ्री मिलती है। वहीं अगर मैं आपको अबाउट फोन में जाके फटाफट इसकी सिक्योरिटी चीजों के बारे में दिखाऊं
इसमें आपको एंड्रॉइड 8.1.0 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है और जो सिक्योरिटी पैच है वो 1 अक्टूबर 2018 का है, लेकिन कंपनी का कहना है कि वो लेटेस्ट अपडेट के साथ आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच का जो अपडेट दे देंगे। फिलहाल आपको यहाँ पे फ्रंट में EIS नहीं मिलता फ्रंट कैमरा में, लेकिन जल्द ही अपडेट आएगा जिस द्वारा आपको फ्रंट में EIS मिल जाएगा। वहीं अगर मैं बैक कैमरा की बात करूं तो ये 12+5 मेगापिक्सल का कैमरा कॉम्बिनेशन है और यहाँ पे सिंगल LED फ्लैश आपको देखने को मिल जाती है, सो एक बहुत अच्छी बात है। सो गाइस अब हम करते हैं फिंगरप्रिंट को टेस्ट। मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रखा है, आप देख सकते हो ये फिंगरप्रिंट सेंसर। अब हम देखेंगे कि कितना फास्ट और कितना एक्यूरेटली काम करता है। ये मैंने यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये मैंने किया फिंगरप्रिंट सेंसर को टच और ये आपका फोन हो गया इंस्टेंट अनलॉक। ये किया मैंने टच, ये हो गया अनलॉक। ये किया टच, ये हो गया अनलॉक। ये किया टच, ये हो गया अनलॉक। सो यहाँ पे काफ़ी फास्ट फिंगरप्रिंट सेंसर आपका वर्क करता है। वहीं अगर मैं फेस अनलॉक की बात करूँ तो ये मैंने किया फ़ोन को ऑन, अभी मैं फ़ोन को नहीं देख रहा हूँ, मैं जैसे ही इसको देखता हूँ और ये इंस्टेंट अनलॉक हो जाता है। यहाँ पे मैंने किया अनलॉक, ये मैंने रखा साइड पे, मैंने जैसे ही फ़ोन की तरफ देखा और ये इंस्टेंट अनलॉक हो गया। सो यहाँ पे फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत अच्छे और बहुत फास्ट काम करते हैं। सो गाइज आई होप आपको अनबॉक्सिंग पसंद आई होगी। यही थी इस फोन की अनबॉक्सिंग। मेरे हिसाब से अगर मैं इस बजट में बात करूं तो इस फोन में आपको वो हर चीज मिलती है जो एक बजट सेगमेंट का यूजर चाहता है, चाहे वो मैं स्क्रीन प्रोडक्शन की बात करूं, चाहे लुक्स की बात करूं, चाहे फेस अनलॉक की बात करूं, चाहे फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करूं, कैमरा की बात करूं, हर चीज गाइज आपको इस फोन में देखने को मिल जाती है। एंड मोर ओवर आपको गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है फ्रंट में। सो मेरे हिसाब से ये कंप्लीट पैकेज है, विदाउट एनी डाउट आप इस फोन के साथ जा सकते हैं। अगर आपका बजट 15,000 रुपये है और उसके अंदर है तो आप इसके 13,000 वाले वेरिएंट के साथ भी जा सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इन दैट आई विल से थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।